अपने भीतर का स्वयं का दीप जलाए चले। बहुत सहज पूर्वक विराजमान होकर के अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को भीतर की ओर प्रवाहित करना। हम सभी मुड़ चलें स्वदेश की ओर, अपने भीतर की ओर मुड़ जाना, स्वदेश लौटना, बिखरी हुई तमाम चेतना को अखंड रूप में भीतर की ओर मुड़ते चले जाना, अपनी सारी कॉन्शियसनेस को अपने ऊपर उड़ेलते चले जाना। और कुछ करना नहीं, केवल जागे जागे देखते रहना, केवल देखना। देखत देखत ऐसा देख, गिर जाए सब, रहे ना एक एक विचार तरंग लहर, एक थॉट भी ना बचे, सब विदा हो जाए। एक तू ही तू बचे, तू ही तू रह जाए, अखंड चिन्मय स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप रह जाए। तू होकर के देखना, तू होकर के जीना, ऐसा कृतकृत्य हो जाओगे। लगातार देखते चले जाना या भीतर डूबते चले जाना अपनी प्यास की। निरंतर बहती सरिता में लगातार देखते रहना। अंतस ध्यान की प्रक्रिया में तुम केवल देखते रहना। जागे जागे देखना, जागे जागे रहना, कहीं खो न जाना। मन के बाजार में, मन की मार्केट में कहीं ना खो जाना। तुम जागे जागे देखते रहना। अतीत को विदा करते चले जाना। जितना भी बीते हुए कल की तमाम स्मृतियों को विदा करते चले जाओगी, सरकाते चले जाओगी, उतने ही तुम जवान होते चले जाओगे, उतने ही तुम हृदय की धड़कन को बहाल करते चले जाओगे, उतने ही तुम तरोताजा होते चले जाओगे। तुम भीतर रहना, तुम वर्तमान में रहना, तुम जागे रहना। और गहरा और भीतर तुम अंधेरों के प्रति, विचारों के प्रति, दुई द्वाई द्वंद्व के प्रति, मन की ड्युअलिटीज के प्रति जागे रहना। तुम जागना भीतर मन के प्रति, मन माया के विस्तार को देखने की महान क्षमता जुटा लेना। जो जो तुम मन से हटते जाओगे, अपने स्वरूप में स्थित होते जाओगे, अपने स्वरूप की याद, अपनी सुरती, अपनी स्मृति, सेल्फ रिमेम्बरेंस, यही तेरी ट्रू नेचर है। इसमें स्थित होते चले जाओगे और जितना स्थित होते जाओगे, उतना ही तुम प्रार्थना पूर्ण होते जाओगे, उतना ही तुम प्रेम पूर्ण होते जाओगे। जीवन का महासूर्य उदीयमान होता चले इस जन्म के रहते रहते। समय हाथ से गुजरा जा रहा,
जन्म हाथ से निकलता चला जा रहा, ये अवसर कहीं चूके ना। तुम जीवन का उद्घाटन कर लेना, तुम जीवन का आविष्कार कर लेना, भीतर की यात्रा पर उतर करके। कस्तूरी कुंडल बसे, अपने केंद्र पर रहना, अपने शिव नेत्र में रहना, तुम अपने भीतर की ओर जागे रहना, तुम हृदय द्वार से उठती हुई प्रार्थना में डूब जाना, प्यास भरी पुकार ही प्रार्थना है। आह संगीत की निरंतर बजती हुई धुनमाएं, अनाहत संगीत को जन्म देना, अनहदनाद की धुन को एक एक अंग प्रत्यंग पे उतरने देना, तब संगीतमय हो जाना, स्वरबद्धता लयबद्धता तेरा स्वरूप है, वो स्वतः ही समायोजित होता चला आता है। तुझे कुछ करना नहीं, एक प्रतीक्षारत रहना, तुम इंतजार की घड़ियों में रहना, यही तेरी इबादत है। तुम प्रतीक्षारत रहना यही प्रार्थना है, यही पूजा है परमात्मा के प्रति। तेरा प्रेम, तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत मालिक के प्रति, इससे बड़ी कोई प्रार्थना नहीं। लगातार भीतर की ओर डुबकी लगती चले, देखने मात्र से मनस्थल स्वस्थ हो जाता है, देखने मात्र से जो जो अननेसेसरी थॉट्स निरंतर बादलों की तरह उठता है, सब विसर्जित होते चले जाते हैं। तुम टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री होते चले जाते हो, भीतर की धूल डस्ट विचारों विकारों की मल मैल की सब विसर्जित होती चली जाती है, ये कचरा कमलवत होता चला जाता है। तुम भीतर रूपांतरण की महान घटना में उतरते चले जाते हो, सभी केमिकल्स जो इम्बैलेंस में उतरे हैं बैलेंस में उतरते चले आते हैं, मेडिटेशन उन सब को बैलेंस में उतारता चला जाता है, और एक आनंद मस्ती का आलम जगता चला आता है। तुम स्वयं अनुभव करना, अपने भीतर उतर करके, अपने भीतर मुड़ करके, अपने भीतर देखने में अपनी सुरती जगा करके, मेडिटेशन तुझको भूत भविष्य से उतार करके वर्तमान में खड़ा करता है। वर्तमान ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है, वर्तमान में ही वो मिलता है,
वर्तमान में ही उसके साथ भेंट होती है। वर्तमान ही उसका निवास है। वो केवल वर्तमान को ही जानता है। वर्तमान, एकमात्र वर्तमान। अपने भीतर की कुटिया में रहना, अपने मकान में रहना। तुम अपने मकान में कभी रहे नहीं, तुम अपने हृदय द्वार पर कभी रह लो तो ये जन्म सुखद हो जाएगा। ये वर्तमान एकमात्र तेरा निवास स्थली है। वर्तमान में जीने के लिए आए हो। वर्तमान संगीतमय है। वर्तमान स्वरबद्धता लयबद्धता। संतुलित धारा का एक महान प्रवाह है वर्तमान। अतीत को जितना मारते चले जाओगे उतने ही तुम वर्तमान में उतरते चले आओगे। अतीत को जितना भी भूलोगे, जितना भी विदा करोगे, जितना भी मिटाओगे उतने ही तुम तरोताजा होते चले जाओगे, नूतन नवीन होते चले जाओगे, तुम हरे भरे होते चले जाओगे। उतने ही तमाम आसक्तियों के अंधेरे दूर होते चले जाएंगे। बहुत रो रहा था, तड़प रहा था, चिल्ला रहा था एक व्यक्ति, उसके बंगले को आग लग गई थी। बाहर खड़ा अपने सिर को पीट रहा था। इतने में छोटा लड़का भागा भागा आया, कहने लगा, पिताश्री, पापा, रोने की जरूरत नहीं, ये मकान बिक चुका है। ये कल बड़े भैया ने, भैया जी ने बेच दिया था। ये तुम्हारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये बिक चुका है। अब आग लगे या ना लगे, मरे जिए, ये सही सलामत हो या खंडर हो, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं। एकदम वही पिता खुशी से नाच उठता है। अतीत गया, वर्तमान में उतर आया। आसक्ति नहीं रही, अटैचमेंट नहीं रही, पकड़ नहीं रही, क्योंकि अपना नहीं रहा, ये डिस्पोज ऑफ हो चुका है। ये जिसका है वो जाने। परंतु थोड़ी देर में बड़ा लड़का पहुंचा, उससे बाप ने कहा, क्या ये बात सही है? नहीं, बिकने वाला था, लेन देन होनी थी, अभी फाइनल नहीं हुआ था, दो चार दिन में होना था। है, हाँ, बिका नहीं, डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, नहीं, ये अभी हमारा ही था। हाँ, फिर वही सिर धुन धुन करके रोने लगता है, फिर वही रोना, वही पीटना, वही पश्चाताप, पछतावे की तमाम अंधेरी नगरी में डूब जाता, तड़प उठता है, मेरा मकान, मेरा बंगला। ये अज्ञानता, विद्या, इग्नोरेंस, ये अतीत की जिंदगी जो मन के चारों ओर निर्मित होती है, जो पकड़ पुनः लौट आई और बर्बादी के दौर को उतार लाई। मन के चारों ओर निर्मित हुआ ये आसक्ति का बादल मंडराता ही रहता है जब तक वर्तमान का सूर्य उदय नहीं होता। वास्तविक संसार जो प्रभु ने तुम्हें प्रकृति का पावन स्वरूप दिया, वो कभी भी दुख का कारण ना था, ना है, ना होगा। वो तो तुझको प्रकृति ने वरदान दिया है, एक कर्म क्षेत्र दिया है, एक जीविका कमाने का क्षेत्र दिया है। वो एक मात्र तुरा सहयोगी बनकर के उतरा है। वास्तविक संसार जो बाहर दिखाई देता, जिसे तुम माया कहते हो, माया नहीं है, माया तेरा मन है। और मन के चारों ओर अतीत का फैलाव एकमात्र माया है। वास्तविक संसार दुख का कारण नहीं है।
वो तो ना सुख है ना दुख है, ना अच्छा है ना बुरा है, ना मीठा है ना खट्टा है। जैसे चावल ना खट्टे होते हैं ना मीठे, तुम जैसा भी बनाना चाहो बना सकते हो। वास्तविक संसार को तुम जैसा भी उपयोग करना चाहो उपयोग कर सकते हो, जिस स्थिति में भी उतारना चाहो उतार सकते हो। अच्छा बुरा शुभ अशुभ तुम्हारे हाथ में है, जैसा निर्मित कर लो, जैसा भी उसको रंग लो, तुम्हारे हाथ में है। जैसे चावल ना खट्टे हैं ना मीठे, ना नमकीन है ना मीठे, जैसा तुम बनाना चाहो बना सकते हो। उसका अपना स्वभाव ना मीठा है ना नमकीन, तुम मिठास दे दो तो मीठा, तुम नमक दे दो तो नमकीन। उसका अपना स्वभाव दोनों से परे है, ना मीठा ना नमकीन। वास्तविक संसार दुख का कारण नहीं, चारों ओर तेरे बाहर मिला हुआ संसार कदाचित भी दुख का कारण नहीं। तनिक मात्र भी पश्चाताप का रूप नहीं, तनिक मात्र भी। तेरे स्वभाव की विपरीत नहीं, सब अनुकूल है वास्तविक संसार में, बशर्ते कि तेरे मन के चारों ओर तेरे भीतर का संसार जो अतीत से भरा है, स्मृतियों से भरा है, कल्पनाओं से भरा है, तमाम प्रकार की मृग मरीचिका से भरा है, वो विदा हो जाए। उसको विदा करने के लिए ही मेडिटेशन उतरा है, तुझे वर्तमान में उतार देने की महान कला मेडिटेशन। जिसमें उतरते ही तो उस मालिक के प्रति स्वयं स्वरूप में उतर करके अपने ही विराट के प्रति अपने हृदय द्वार पर स्थित होकर के वर्तमान की घड़ियों में उतर करके तू जो पुकार उठाता है, वही तेरी एकमात्र प्रार्थना है, वही स्वीकार होती है मालिक के द्वार पर। उस समय तू विराट के अंतर्गत होता चला जाता है, तुम मंजिल में उतरते चले जाते हो, मंजिल में तुम उसके अंतर्गत होते जाते हो, वो तुम्हारे तक नहीं आता। सागर तुम्हारे तक नहीं आता, लहरें आती हैं। तुम कहते हो बहुत आनंदित हो गया हूं, बहुत स्टेट ऑफ एक्सटेसी में उतर गया हूं, अब इससे आगे क्या? अरे वही ना रुक जाना, वो तो केवल लहरें आई है, वो तो केवल उस महासूर्य की किरणें उतरी हैं, वो नहीं आया। वह तो उसकी झलक आई है, वो स्वयं नहीं आया, सागर नहीं आया, लहरें आई, महासूर्य नहीं उतरा, अभी किरणें ही किरणें हैं। कहीं रुक ना जाना, इस यात्रा में रुकना कहीं भी बुरा है। इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में कहीं ठहर ना जाना, निरंतर बहते चले जाना। सागर के अंतर्गत होना, विराट के अंतर्गत होना, जब तक वो परम घटना ना घटित हो तुम उस एक में समाहित हो जाना। जब तक ये परम घटना घटित ना हो तुम कहीं ना रुकना, चाहे कितना आनंद बरसे, कितनी बरसात हो उसकी रहमत की, तुम ये ना समझ लेना कहीं मंजिल आ गई, मंजिल आज तक आई ही नहीं, तुम मंजिल के अंतर्गत होते हो। कितना समझाए नहीं समझा पाएंगे ये शब्दों का, ये ग्रामर का, ये भाषा का सब्जेक्ट नहीं है। कितना भी कह दूं अर्जुन, अभी भी वो कह नहीं पाया जो मैं कहना चाहता हूं।
हुआ रे प्रभु, शायद तुम अर्जुन के सामने तो ना कह पाए जो तुम कहना चाहते हो, नहीं कह पाए, किंतु तुम ओ मुर्शिद बने भगवान कृष्ण, तुम शायद वहां तो नहीं कह पाए, किंतु तुम यमुना किनारे बैठे ब्रज भूमि के लोगों के सामने जो तुम कह नहीं पा रहा है वह तुम देख सकते हो कृष्ण, तुमने देखा है। हे कृष्ण, आप अर्जुन को ही गीता सुना सकते हैं, वहां ये गीत क्यों नहीं गूंजा ब्रज भूमि में? वहां तेरे को कौन सुनेगा? वहां ये संदेश कौन सुनेगा? जहां न कर्म न करता, न करतापन का अभिमान, कोई टिक नहीं पाया जहां, वहां तो गीता क्या सुनाएगा, कौन सुनेगा? चलते चलते 11 वर्ष के बालक गोपाल मामा की रथ पर सवार होकर के जा रहे हो, ब्रजभूमि के लोग आपके पीछे पीछे चले जा रहे हैं, भागे आ रहे हैं। आप उस समय धर्म की शिक्षा देने लगे हो, थोड़ी गीता खोलने लगे थे, थोड़ी गीता सुनाने लगे थे। क्या सुनी उन्होंने? ऐसा मुड़ के जवाब दिया तुझे गोपाल कि तू भी वहां पर डूब गया अपने महासागर में। हम जानती हैं धर्म की शिक्षा, हम जानती हैं धर्म को, हम जानते हैं धर्म को, ब्रजभूमि के लोगों ने कहा। हमें धर्म की शिक्षा देने की, मर्यादा देने की जरूरत नहीं है। ये अपनी शिक्षा अपने पास रखिएगा गोपाल। हम जानते हैं धर्म क्या, मर्यादा क्या, शिक्षा क्या, तो हमें क्या सुनाएगा? कितनी विरह भरी पुकार उठी है उस प्यासी दुनिया में। इसीलिए कहा गीता बुद्धिजीवियों के लिए है, अर्थात जो मन बुद्धि पर पकड़ रखे हैं, उनकी पकड़ को छुड़वाने के लिए, उनको उस पकड़ के पार करने के लिए गीता उतरी है। अहंकार अभिमान का शिखर जहां है उसको तोड़ने के लिए गीता उतरी है, परंतु जहां पहले ही हृदय में निवास है वहां गीता क्या काम आएगी? कितना सुंदर चैलेंज दिया है ब्रजभूमि के लोगों ने। ये शिक्षा अपने पास रखना, ये धर्म की बातें अपने पास रखना गोपाल, हमें सुनाने की कोई जरूरत नहीं। हम धर्म को अच्छी तरह जानते हैं, हम धर्म को अच्छी तरह से अनुभव करते हैं, हम धर्म की आभा प्रतिभा को ही धारण किए हुए हैं। हमें धर्म शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। क्या गजब की पुकार उठाते हैं भीतर के भीगे हुए वो मस्त मतवाले दीवाने जीव। दूर मत करना चरण से, तुम दूर मत करना चरण से, दूर मत करना शरण से।
करना चरण से। दूर मत करना चरण से, तुम दूर मत करना शरण से। दूर मत करना चरण सी, दूर मत करना शरण सी। दूर मत करना, संसार सारा है लिया तेरा सहारा, है लिया तेरा सहारा। छोड़ कर संसार सारा लिया तुम्हारा सहारा, लिया तुम्हारा सहारा। यदि ना ठोर मिली यहाँ भी, यदि न ठोर मिली यहाँ, फिर क्या मिला इस मनुज तन से। दूर मत करना चरण से, दूर मत करना चरण से, दूर मत करना शरण से। दूर मत करना चरण से, दूर मत करना चरण से।